लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होते ही आमिर खान का करियर हुआ तबाह। सिनेमा जगत में फिल्म मेकर्स आमिर खान के साथ नहीं करना चाहते हैं काम। जिन फिल्मों पर काम करने के लिए आमिर खान ने भरी थी हामी, अब मेकर्स ने कहा अभी नहीं। दर्शकों का गुस्सा देखते हुए आमिर खान ले सकते हैं फिल्म दुनिया से ब्रेक। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा के बुरी तरह से पिटने के बाद अब आमिर खान के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका असर आमिर की आने वाली फिल्मों पर भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर कुछ दिनों के लिए फिल्म से ब्रेक लेंगे। दरअसल लाल सिंह चड्ढा के खराब हाल के बाद अब आमिर की अगली फिल्म मोगुल को टाल दिया गया है। ऐसे में एक्टर की अगली फिल्म कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर मोगुल पर काम करने वाले थे, लेकिन माना जा रहा है कि आमिर के खिलाफ हेट और गुस्सा देखते हुए टी सीरीज के चीफ प्रोड्यूसर ने फिल्म के काम पर अनिश्चित समय का ब्रेक लगा दिया है। मेकर्स को डर है कि फिल्म का हाल कहीं लाल सिंह चड्ढा जैसा ही न हो। ऐसे में मेकर्स आमिर के साथ काम करने से कतरा रहे हैं। बता दें कि फिल्म मोगुल गुलशन कुमार की बायोपिक है, जिसे लेकर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और निर्देशक सुभाष कुमार के बीच मतभेद चल रहे हैं। इस कारण सुभाष कपूर ने आमिर की फिल्म मोगुल का काम रोक दिया है। इसी के साथ वो अब अक्षय और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली LLB 3 के प्री प्रोडक्शन में जुट चुके हैं। ऐसे में आमिर की फिल्म मोगुल पर काम बंद हो चुका है। आमिर खान से पहले ये फिल्म अक्षय को ऑफर की गई थी, लेकिन निर्देशक के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते अक्षय ने फिल्म रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद आमिर को ये रोल ऑफर किया गया था। आमिर ने रोल एक्सेप्ट किया, लेकिन शर्त रखी कि वो लाल सिंह चड्ढा बनाने के बाद ही मोगुल पर काम शुरू करेंगे। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का बुरा हाल देखते हुए मेकर्स अब खुद आमिर के साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले ही आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत की शूटिंग रोक चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने बायकॉट किया, कहीं महाभारत का भी हाल वैसा ही ना हो।